तो भाई निंजा 400 चला के मजा आ रहा है, बिल्कुल हल्की फुल्की बाइक है, बहुत ही हल्की है, कंट्रोल अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छी है, पावर भी बढ़िया है, तो आप इस पे भी टूरिंग कर सकते हो भाई। ये प्रभजोत भाई वापस आ रहे हैं, क्या हो गया? लैंडस्लाइड एरिया। ओहो भाई क्या व्यू है, क्या व्यू है भाई, मजा आ गया मजा। नीचे देख रहे हो सतलुज रिवर है और इसमें फ्लो देखो कितना ज्यादा है। तो भाई ऑफ रोड आ चुका है और निंजा 400 ऑफ रोड में इतना कंफर्टेबल नहीं है भाई। शॉकर काफी ज्यादा स्टिफ है इसके। ओह माय गॉड, ओहो हाथों पे जोर आ रहा, हाथ दर्द होने लग गए भाई। वैसे ठीक है, साफ सुथरी सड़कें हों तो सही है, नहीं तो ऐसे पैचेस पे तो आपको BMW 310 जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू 400 निंजा। ओहो यही हम 310 चला रहे थे ना अभी, फुल टू हम लोग मजे कर रहे होते ऑफ रोडिंग का। ओहो पूरी बॉडी हिला दी। तो भाई हमने फिर से बाइक कर लिया चेंज बिकॉज ऑफ रोडिंग में इसने जान निकाल दी। और व्यू यहाँ का भाई अल्टीमेट है, देखो अल्टीमेट व्यू, ओ जबरदस्त। चलो भाई तो अल्टीमेट नजारों का लुफ्त लीजिए। और सामने जो है ना हमारे, जैसे ये ग्रीन पहाड़ है, आगे थोड़ा सा रेडिश है, फिर आगे ग्रीन हो गया, ऐसे मल्टीपल कलर यार आपको दिखते हैं यहाँ पे नेचुरली। और सामने देखो कितने बड़े बड़े पीक्स हैं, बादल जो है नीचे हैं काफ़ी यार। और इन्हीं ऊंचाइयों के साथ हमने चलना है आगे। और पू है यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर्स और हमारा सफ़र अभी काफ़ी बाकी है, मे भी अंधेरा हो जाएगा आज पहुँचते पहुँचते काजा। यस यस ब्रदर एंड सिस्टर्स, वी आर गोइंग टू काजा। मस्त रोड्स हैं यार, फर्स्ट क्लास। तो भाई सामने एक अल्टीमेट वाटरफॉल आया है जिसको देख के मेरा ना दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया भाई, खुश एकदम खुश, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट। वाह बच्चे कैसे रहते होंगे यहाँ ठंड में। ओ माय गॉड, यहाँ मे बी मजदूर जो यहाँ सड़क बना रहे हैं उन्हीं के बच्चे होंगे और यहाँ झोपड़ियाँ डाल के रह रहे हैं यार। और सामने देख रहे हो पहाड़ पूरा ग्रीन ऑरेंज येलो, सारे कलर्स जो है ना उसी के ऊपर हैं यार, अल्टीमेट लग रहा है। वाओ सो ब्यूटीफुल, मे बी कैमरे में आपको इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा होगा ये, बट आंखों से देखने से ना अल्टीमेट लग रहा है भाई। वाओ तो सामने है स्पिलो जहाँ लास्ट टाइम हम लोग सेकेंड डे पे रुके थे और हम लोग यहाँ भी रुकेंगे अभी, अपनी गाड़ी का वेट करेंगे बिकॉज गाड़ी काफी पीछे रह गई है।
तो भाई एक छोटे से टी ब्रेक के बाद निकल चुके हैं स्पिलो से और आगे जा रहे हैं काजा की ओर। अब थोड़ी थोड़ी सड़कें जो हैं खराब मिलेंगी। तो भाई सामने का व्यू देख के ना यार दिल एकदम बाग बाग हो गया यार, क्या अल्टीमेट व्यू है भाई, वाह। और बादल देख रहे हो आप, पहाड़ बादलों से भी ऊंचे हैं, बादल नीचे हैं और पहाड़ उससे भी ऊंचे हैं, वाह अल्टीमेट व्यू भाई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये वाह लवली। ओ भाई कितनी बढ़िया सड़क है, पिछली बार सड़क का काम चल रहा था और अभी एकदम मक्खन की तरह सड़क बना दी है भाई। थैंक यू सो मच बीआरओ, वी लव यू, इतनी बढ़िया बढ़िया सड़कें बनाने के लिए ऐसे दुर्गम एरिया में। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है आपको, दिल से सैल्यूट है। यहाँ रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ है भाई, रिसेंटली बनी हुई सड़क को तोड़ दिया है लैंडस्लाइड ने। बस भाई अब ऐसे बढ़िया बढ़िया नज़ारे आगे चलते रहेंगे। लास्ट टाइम ना ये पहाड़ काट काट के सड़कें चौड़ी कर रहे थे और अभी काफ़ी हद तक बना दिया, बट अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो क्या कर सकते हैं भाई, बिकॉज ये एरिया ही ऐसा, यहाँ लैंडस्लाइड होती रहती है। इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई यहाँ पे और सड़क बना रहे हैं हमारे लिए, ये ऐसे ही पहाड़ काटते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो भाई अल्टीमेट नज़ारे आ रहे हैं, अल्टीमेट नज़ारे, इतना मज़ा आ रहा है बता नहीं सकता मैं। बाइक से अलग मज़ा है, गाड़ी से अलग मज़ा है, बाइक से आप जो व्यू देख पाते हो ना वो गाड़ी से नहीं देख पाते हो। तो भाई लगभग आधा घंटा हो गया यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही थी और अभी निकले हैं हम लोग फोटोग्राफी फिनिश करके और सारे फोटोज आपको दिखेंगे हमारे इंस्टाग्राम पे। अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यहीं कहीं लिंक आ रहा होगा, देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। और सामने के व्यू, साइड, ऊपर, नीचे, हर जगह के व्यू एकदम बढ़िया। तो नाको है यहाँ से 15 किलोमीटर और हमने जाना है काजा, जो अभी बहुत ही दूर है, काफ़ी टाइम लगने वाला है, बिकॉज रास्ते में कोई ना कोई बढ़िया व्यूज आते रहेंगे और हम लोग फोटोग्राफ खिंचाते रहेंगे। यो तो भाई सड़क पे लैंडस्लाइड हो रखी है, उसको हटाने का काम चल रहा है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फाइनली 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 रास्ता खुल चुका है, अब हम आगे जा सकते हैं। काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हो रखी थी, ये सब कच्चे पहाड़ हैं, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है और रास्ता जो है खुला रखने के लिए आपको कॉन्टिन्यूटी में रोड साफ करनी पड़ती है, जो बहुत ही मुश्किल काम है। और अल्टीमेट व्यू पहाड़ों के टॉप के ऊपर स्नो पड़ी हुई है, तो भाई ऐसे ही खतर खतरनाक सड़कें भी आती हैं बीच बीच में। तो काजा यहाँ से रह गया 109 किलोमीटर, बहुत दूर है, लगभग 3 घंटे लगेंगे अभी और काजा पहुँचने में। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं नाको और सामने है पूरा नाको विलेज और यहाँ है नाको लेक, यहाँ है नाको लेक, वो रही सामने नाको लेक। तो भाई हम पहुंच चुके हैं सुमदो और यहाँ है एक बैरियर, ये ब्रिज क्रॉस करते ही, और हमें वहां करानी है अपनी एंट्री, सुमदो 0 किलोमीटर, और हमें यहाँ अपनी एंट्री करानी पड़ेगी। तो सुमदो पार करके आगे निकल गए हैं
और यहाँ से पता लगा है कि 5 बजे के बाद शायद सुमदो से आगे नहीं जाने देते हैं काजा की ओर। तो पुलिस वालों ने तो ऐसे ही बताया हमें, अब आगे का मुझे पता नहीं है, आप कंफर्म करके आना अगर 5 बजे के बाद आ रहे हैं, नहीं तो रास्ते में कहीं रुक जाना, रिस्क नहीं लेना, बिकॉज वहाँ सुमदो में रहने की भी शायद जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बैरियर क्रॉस करने के बाद ही शायद कहीं ना कहीं आपको जगह मिले, बट मुझे लगता नहीं है ऐसा हो। तो आप नाको में ही रुक सकते हैं। तो यहाँ से ताबो रह गया है लगभग 30 किलोमीटर और काजा अप्रोक्सीमेटली 75-76 में भी, तो हमें लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास लगेंगे। अगर रास्ते में एक ब्रेक ले लिया तो लगभग 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो रोड मस्त है यहाँ पे और नज़ारे भी एक नंबर है भाई, एक नंबर अल्टीमेट नज़ारे हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के पहाड़ नज़र आएंगे यार। और एक रिकमेंडेशन मैं करूँगा आपको कि अकेले ना आए यहाँ पे, अगर सिंगल गाड़ी भी है तो अवॉइड करें, दो गाड़ियाँ या दो बाइक मिनिमम होनी चाहिए, बिकॉज ये रास्ता ऐसे हैं कि यहाँ आपको हेल्प भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अगर आपके पास कोई बैक का व्हीकल होगा तो परेशानी नहीं होगी आपको। लास्ट टाइम हम लोग गाड़ी से जब आए थे तो थोड़ा सा जो ये ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं वो हम लोग नहीं देख पाए थे, बिकॉज गाड़ी में आप जो है ना पूरा एक बंद डब्बे में चलते हैं, बट बाइक में तो आप इधर उधर आराम से देखते जाते हैं, ब्यूटी को निहारते जाते हैं। और आगे जो है मुझे लग रहा है मौसम थोड़ा सा खराब है, बादल नीचे आ रखे हैं, काले बादल बारिश वाले। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं ताबो, ये है ताबो। काजा जो है यहाँ से अराउंड है 50 किलोमीटर के आसपास, बस ये छोटा सा विलेज है ताबो। तो ये है भाई ताबो ब्रिज, ताबो ब्रिज। वाओ क्या अल्टीमेट व्यू है भाई। ट्रेन की याद आ गई यार, ट्रेन में जब जाते थे ना टक 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 टक, बड़ा मजा आता था। ओ भाई ये क्या बना हुआ है। तो भाई देख रहे हो क्या नजारे हैं यहाँ पे, ओहो जैसे चींटियों के घर नहीं होते वैसे बने हुए हैं ये। कैसे बने होंगे यार, ये समझ नहीं आती यार क्या चीज है। और सामने देख रहे हो स्नो कवर्ड माउंटेन्स। तो भाई सामने का व्यू देख रहे हो, अल्टीमेट वाटरफॉल, इतना बढ़िया लग रहा है यार। वाह बहुत ज्यादा ठंड है यार, बहुत ही ज्यादा ठंड है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ऊपर से बादल हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, फुल परीक्षा हो रही है हमारी आज इस राइड पे। ओ माय गॉड। तो भाई फाइनली 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 हम लोग पहुंच चुके हैं काजा, ये गेट है काजा का गेट। वाओ ये, तो हम लोग पहुंच चुके हैं काजा और ये हमने एंटर कर लिया। और सामने वो सिटी दिख रही है आपको, लाइटें वाइटें जल रही हैं, वो है काजा सिटी। और ये हमने गेट पार कर लिया है काजा का। वाओ वाओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। फाइनली हमें रूम मिल चुका है, सामान वगैरह हमने पूरा बिखेर दिया एकदम। रूम है बहुत नॉर्मल सा, सुबह का व्यू दिखाएंगे, यहाँ बालकनी है और दोनों भाई बाहर बैठेंगे और चाय का लुत्फ़ लेंगे सुबह, बट वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। भाई खाना वाना खा के ना, और अब हालत ये है कि भाई सीधा बेड पे लेटें और सो जाएं, बिकॉज काफ़ी लंबी राइड रही है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बढ़िया सा कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी बढ़िया सी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ओ बाकी जो मर्जी हुंदा हो जावे मेरे कमेंटा च गाल नहीं कढ़नी। चंगा फिर अगली जारी।